आज मैं लेकर आई हूँ लाल मिर्च के अचार की रेसिपी। मोटी लाल मिर्च का चटपटा तीखा अचार, जिसे बनाकर लंबे टाइम के लिए रखकर खाया जा सकता है। मोटी वाली ये लाल मिर्च इसी मौसम में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से आप लाल मिर्च का अचार बना सकते हैं। तो स्वागत है आपका टेस्ट विद सुमन में। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लाल मिर्च लिया है, मोटी वाली। ध्यान रखें कि जब आप मिर्च ले तो वो कहीं से भी कटी ना हो या फिर दबी ना हो, छूने में टाइट हो। बिल्कुल ही फ्रेश मिर्च लेने हैं। मिर्च को हम अच्छी तरह से धो लेंगे और धूप में सूखने देंगे। तो इसे एक साफ कॉटन के कपड़े पर डाल देंगे और 3 से 4 घंटे तक मिर्च को सुखा लेंगे। अगर लाल मिर्च अच्छे से सूखेगी नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। चलिए जब तक हम मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेथी के दाने, काली सरसों, अजवाइन, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी, काली मिर्च, आमचूर पाउडर, हींग पाउडर, सफ़ेद नमक। फिर मैंने लिया है काला नमक, जिसे हम पहले कूट लेंगे और फिर इसे दरदरा पीस लेंगे। इससे अचार के मसाले का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसके बाद लिया है मैंने सौंफ। और फिर हमें ले लेना है कांच का जार या कंटेनर, जिसमें हम अचार को स्टोर करके रखेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मसाले तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने 500 ग्राम मिर्च लिया है, तो उसी प्रपोर्शन में 60 ग्राम यानी कि 6 चम्मच सौंफ मेजर करके ले लूँगी। पैन हल्का गरम कर ले, फिर उसमें डाल देंगे ये सौंफ, मेथी के दाने जो कि 30 ग्राम 3 चम्मच है, फिर जीरा जो कि मैंने यहाँ 30 ग्राम यानी कि 4 चम्मच लिए हैं, अजवाइन ये मैंने 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच लिए हैं, और काली मिर्च ये मैंने 10 ग्राम 1 चम्मच लिया है। मसालों को चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हल्का भून लेंगे। मसालों को भून लेने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो ये मसाला हमने भून लिया है, इसे प्लेट में निकाल ले ताकि मसाला ठंडा हो जाए। इसी तरह काली सरसों के दाने जो कि मैंने 70 ग्राम यानी कि 6 चम्मच लिया है, उसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम मिर्च में तेल डालने के लिए पैन में 1 कप सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही धुआं उठने लगे तब गैस बंद कर दे। सौंफ और मेथी दाने का भुना हुआ मसाला ठंडा हो गया है, तो इसे अब दरदरा पीस लेंगे। अब इस पीसे हुए मसाले को हम बॉल में निकाल लेंगे। इसी तरह काली सरसों को भी हम दरदरा पीस लेंगे। इसे भी बॉल में डाल दें। काला नमक को मैंने कूट लिया है क्योंकि वो काफी बड़े थे, और अब इसे भी हम पीस लेंगे। तो अब बॉल में मैं काला नमक डाल रही हूँ, 20 ग्राम यानी कि 2 चम्मच। उसके बाद 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अचार में। अब हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और इसे ऐसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे इसमें। फिर 1/2 चम्मच कलौंजी, इसे भी ऐड कर दे इसमें, और अब सबको अच्छे से मिला देंगे।
मसाला को अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें 2 बड़े टेबलस्पून तेल डालेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, तेल को ठंडा होने दे फिर डालें इसमें। तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला में। तेल को अच्छे से मिला देंगे कि मसाला हमारा ऐसे गीला हो जाए। तो इस तरह से अचार का मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो मिर्च धूप में अच्छे से सूख गए हैं, अब मिर्च को काटेंगे। सबसे पहले हम इसके डंठल को कट करके हटा देंगे यहाँ से। फिर मिर्च को इस तरह से लंबाई में काटे, पूरा एंड तक नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन रहने देंगे लास्ट का, जिससे ये जुड़ा रहे। अब इसके अंदर का जो बीज और पल्प है उसे हटा देंगे, जिससे मसाला अंदर तक अच्छे से भरेगा। तो मैं ऐसे नाइफ की हेल्प से प्लेट में निकाल लूंगी इसके सारे बीज। और ये हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के लाल मिर्च का भी डंठल हटाकर उसे लंबाई से कट करके सारे बीज रिमूव कर देंगे। ये देखिए सारे मिर्च तैयार कर लिए हमने। अब बीज जो हमने मिर्च के अंदर से निकाले हैं उसे मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लाल मिर्च को भरना शुरू करेंगे। तो लाल मिर्च को लेंगे और इस तरह से बीज में मसाला भरेंगे। उंगली से मसाला को दबा दे ताकि अच्छे से अंदर तक मसाला बैठ जाएगा और एक्स्ट्रा मसाला को हटा देंगे। सारे लाल मिर्च को इसी तरह से भर के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लाल मिर्च में मसाला भरकर हमने तैयार कर लिया है। लाल मिर्च का अचार देखने में ही बहुत ही यमी और टेस्टी लग रहा है। पर अभी हम क्या करेंगे कि जो बचा हुआ तेल है उसे एक बॉल में निकाल लेंगे और एक एक करके सारे लाल मिर्च को तेल में डुबोकर निकाल देना है। अच्छे से तेल मिर्च के ऊपर लग जाने के बाद इसे प्लेट में रखते जाए। सारे मिर्च को हमने तेल में डुबोकर निकाल लिया है। अब आप ले ले कोई भी कंटेनर या जार जो कि कांच का हो और उसमें एक एक करके सारे लाल मिर्च हम डाल देंगे। और दोस्तों इसे आप जिस भी कंटेनर या जार में लाल मिर्च को स्टोर कर रहे हैं उसको अच्छे से साबुन से धो ले, गर्म पानी से वॉश कर ले और फिर 2 से 3 घंटे के लिए इसे धूप में सुखा ले। एक एक करके हम ये सारे लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। बाकी का जो ये बचा हुआ मसाला है इसे हम जार में ही डाल देंगे मिर्च के साथ और इस बचे हुए तेल को भी जार में डाल दें। तो सारे मिर्च हमने जार में डाल दिए हैं और ये बन गया है हमारा लाल मिर्च का चटपटा तीखा अचार। जार का ढक्कन लगा के अब आप इसे 2 दिन के लिए धूप में रख ले। मिर्च जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और उसमें सारे मसाले भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसे स्टोर करके पूरे साल इंजॉय कर सकते हैं। तो लाल मिर्च का ये अचार आप ज़रूर बनाइए, खाइए और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।